इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें भोपाल की सड़कों पर उत्पात मचाते गुंडों का साफ देखा जा सकता है। जुबैर मौलाना नाम के एक अपराधी उसके अन्य साथी कई सारी गाड़ियां के साथ फूल और कांटे वाला स्टंट करते नजर आ रहे हैं। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि बीच सड़क इनकी गाड़ियों के आगे एक शेवरोले बीट रिवर्स में चलाई जा रही थी। मौलाना और उसके साथी वाहनों के बाहर लटक कर ना सिर्फ खुद की बल्कि बाकी राहगीरों की जान भी खतरे में डालते नजर आए। इस वीडियो में ओपन जीप को पकड़कर एक शख्स अपने पैर बगल में चल रही महिंद्रा स्कॉर्पियो से टिकाकर पुल और काटने वाला स्टंट करना चाह रहा था। ये एक बहुत बुरे हादसे में भी बदल सकता था। हालांकि स्टंट को करने से ये शख्स नाकाम रहा। बता दें कि चलती सड़क पर इस तरह के स्टंट करना पूरी तरह गैर कानूनी है और आम आदमी को इस तरह की हरकतों से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो गया है जिसके 3 दिन बाद गांधीनगर पुलिस ने जमानत पर बाहर निकलने जुबैर मौलाना पर फिर FIR दर्ज कर ली है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा इस मामले पर संज्ञान लेने के आदेश दिए जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जानकारी मिली है कि भोपाल के अलग अलग पुलिस थानों के मौलाना के खिलाफ 65 मामले दर्ज है। आतंक अपराधी के इस करतूत पर पुलिस सख्त कदम उठाएगी ऐसा अनुमान है।